क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। कौन से गांव से हो? मैं ये ग्राम सलेमपुर से निवासी हूँ यहाँ का, और ये चीनी मिल सरसावा ये मेरे बराबर में लगा हुआ है। इसकी ये बाउंड्री वाल है और इससे निकल कर पानी मेरे खेत में घुसा, केमिकल का पानी घुसा मेरे खेत में। इस केमिकल के पानी ने मेरा सारा गन्ना जो है ना, जितना भी मेरा गन्ना था सारा बर्बाद कर दिया। मैंने उनसे लगातार 3 महीने से मैं उनके पास में जाता रहा और बताता रहा। किन के पास जा रहे हैं आप? मैं जीएम साहब से मिलता रहा। क्या नाम है जीएम का? ये वेद प्रकाश पांडे जी हैं, वीपी पांडे बोलते हैं इनको। तो इन्होंने जो है ना मुझे आश्वासन दिया कि आपका जितना भी गन्ना का नुकसान हुआ है, हमारे फैक्ट्री के केमिकल का जो पानी अंदर आया था उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे हम तुम्हारी। कोई आपके पास ऐसा समझौता है जो लिखित में हो? लिखित में समझौता मैं इनको रिसिप्ट दिया था और इन्होंने मुझे रिसिप्ट कॉपी भी दिया उसका। दिखा सकते हैं? ये लिखित समझौता है, इन्होंने रिसिप्ट कॉपी मुझे दिया था इसका कि मेरा लाखों का नुकसान हुआ है इस गन्ने के अंदर। कर्ज पे लेकर मैंने इसको फसल को लगाया था। कितना कर्ज आपके पास हो चुका है? लगभग मेरे पास में 2 लाख रुपए का कर्ज है फिलहाल, और मैंने बीज भी इसमें कर्ज पे लेकर लगाया था। अब ये देखिए मेरा पूरा गन्ना जितना भी है ख़त्म हो चुका है, और प्रशासन से गुजारिश है कि मेरे गन्ने का जितना मेरा लाखों का नुकसान हुआ है वो फैक्ट्री से दिलाया जाए, अन्यथा मेरे पास में इसका कोई रास्ता नहीं रहा अब। और या तो मैं अपने गन्ने की फसल को आग लगा दूंगा या स्वयं आत्महत्या करूंगा इसके अंदर ही। 15 दिन के अंदर मुझे मेरा गन्ने का पैसा चाहिए। प्लीज हेल्प मी। साहब जी ये गन्ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। माघ महीने में बोया हुआ गन्ना और बिल्कुल जो कंडीशन में बिल्कुल कतई ख़त्म हो गया है गन्ना। ये फैक्ट्री की दीवार है जिससे निकलकर पानी मेरे खेत में घुसा है। ये देखिए गन्ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फैक्ट्री की दीवार जिसके अंदर 3-4 फीट पानी खड़ा रहा और निकासी नहीं हो पाई, इससे निकलकर पानी मेरे खेत में जा घुसा और जिससे मेरी फसल जो है ना पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है भाई।